नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं संतोष झा, शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। मानवीय संवेदना हुई तार तार। दरभंगा जीआरपी ने खुले आसमान के नीचे बारिश में रखा अज्ञात युवक का शव। जोगियारा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत। आरक्षण के लिए होगी आर पार की लड़ाई। मुकेश सहनी के नेतृत्व में निकली महारैली में दिखा निषाद समाज का प्रभाव। निषाद महारैली में खुलेआम उड़ी यातायात नियमों की धज्जियां। मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट ट्रिपल लोडिंग के साथ समर्थकों ने कानून का किया उल्लंघन। दरभंगा नगर निगम का बड़ा फैसला, अब शहर में नए मोबाइल टावर लगाने पर रोक। पुरानों पर बकाए लगभग 3 करोड़ की राशि वसूली की कवायद तेज। और आया मानसून झूम के, मौसम की मेहरबानी ने रविवार को बनाया सुपर संडे। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरिया सराय दरभंगा। डायल करें 8809491122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ियों की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल आईआईटी जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, फ्री स्टडी मटेरियल, फुल्ली एसी क्लासरूम्स, होस्टल फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑनलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली एंड कोटा, आईआईटीएंस एंड मेडिकोज। फॉर मोर डिटेल्स डायल 8271512141। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू एसएमएस अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. Shailendra Jha, principal. और समाचारों विस्तार के साथ,
मानवीय संवेदना हुई तार तार। दरभंगा जीआरपी ने खुले आसमान के नीचे बारिश में रखा अज्ञात युवक का शव। जोगियारा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत। दरभंगा जीआरपी ने खुलेआम आसमान के नीचे एक अज्ञात युवक की लाश को स्टेशन परिसर में जीआरपी स्थानीय के सामने रखा। साथ ही सुबह से लगातार बारिश होने की वजह से लाश से दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण स्टेशन परिसर से आने जाने में लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। कल शाम में ही जोगियारा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। यह शनिवार शाम का वाकया है और रविवार सुबह से ही जीआरपी ने खुले आसमान के नीचे अज्ञात युवक की लाश को स्टेशन परिसर में जीआरपी थाने के सामने रख दिया। लगातार हो रही बारिश के बीच लाश से दुर्गंध आने लगी। ट्रेन पकड़ने आए यात्रियों को भी परेशानी होती रही। एक तो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती यह खबर है, जिसमें जीआरपी की लापरवाही बिल्कुल सामने आई है। जीआरपी दरभंगा ने खुले आसमान के नीचे एक अज्ञात युवक की लाश को स्टेशन परिसर में जीआरपी थाने के सामने रख दिया। सुबह से लगातार रविवार को बारिश हो रही थी और इस बारिश की वजह से लाश से दुर्गंध भी आने लगी। यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तरफ मानवीय संवेदना को झकझोरती है स्टोरी कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह से एक अज्ञात की लाश को रख दिया गया, उसे उचित व्यवस्था के तहत रखा जाना चाहिए था, और दूसरे इस वजह से परेशानी आने जाने वाले मुसाफिरों को हुई। स्टेशन पर यात्री लोग को बहुत परेशान है, दिक्कत है, गंध दे रहा है, इसी कारण यात्री को जल्दी से जल्दी इसको हटा देने के लिए लाश बहुत महक गया है। आरक्षण के लिए होगी आर पार की लड़ाई। मुकेश साहनी के नेतृत्व में निकली महारैली में दिखा निषाद समाज का प्रभाव। निषाद विकास संघ के अथक प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा केंद्र को एथनोग्राफिक रिपोर्ट भेजने के बाद होगी आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई, कहा मुकेश साहनी ने। निषाद एससी एसटी आरक्षण के लिए मोटरसाइकिल महारैली में मुकेश साहनी के नेतृत्व में दिखा निषाद समाज का प्रभाव। निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी के आह्वान पर चिलचिलाती धूप में भी काफी संख्या में निषादों ने मोटरसाइकिल महारैली में भाग लेकर निषादों के प्रभाव का एहसास करवाया। काफी संख्या में बाइक के साथ एक महारैली निकालकर मुकेश साहनी ने आरक्षण के लिए निषाद आरक्षण हेतु आंदोलन की विशालता दिखाई। बेनीपुर स्टेडियम से पोलो मैदान दरभंगा तक यह रैली निकाली गई। महारैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एथनोग्राफिक रिपोर्ट केंद्र को भेजने के बाद एससी एसटी आरक्षण की मांग को लेकर निषाद विकास संघ आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और तेज करेगा। संघ द्वारा 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर पटना में संघ का महिला पदाधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। साथ ही अगस्त में पूरे बिहार में रथ यात्रा निकाली जाएगी, घर घर तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में दरभंगा लोकसभा सीट पे यहाँ हमारा अग्रह जिला है और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे यहाँ का लोकसभा सांसद हमारे संगठन और हमारे पार्टी के तरफ से हो और हम लोग आने वाले समय में डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे सांसद किसको बनाया जाए। और हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है और आने वाले समय में हम पटना के गांधी मैदान में अगर आरक्षण मोदी जी 2 महीने में नहीं करते हैं तो 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली करके पॉलिटिकल पार्टी का नाम का घोषणा करेंगे और आने वाले समय में 40 के 40 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी कोई अगर हमारे साथ आएंगे और हमारे विचारधारा के साथ रहेंगे और हमारी लड़ाई को अपना लड़ाई करेंगे तो उनके साथ हम गठबंधन भी कर सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो और या यूपीए हो, हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा निषाद समाज को जगह देगा उनके साथ हम जा सकते हैं। निषाद महारैली में खुलेआम उड़ी यातायात नियमों की धज्जियां। मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट ट्रिपल लोडिंग के साथ समर्थकों ने कानून का किया उल्लंघन।
निषाद रैली में खुलकर उड़ी यातायात नियमों की धज्जियां। एक मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग सवार कार्यकर्ताओं ने रैली में शामिल होकर खुलेआम उड़ाई कानून की धज्जियां। और तो और हद तो तब हो गई जब इनके सिर पर हेलमेट भी नहीं था। वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार भले ही यातायात व्यवस्था को सुधारने की लाख कोशिशों में लगे हों, लेकिन कहीं न कहीं नियमों की धज्जियां कोई न कोई उड़ा ही जाता है। महारैली में रविवार को यातायात नियमों की कुछ यूं उड़ी धज्जियां, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। दरभंगा नगर निगम का बड़ा फैसला, अब शहर में नए मोबाइल टावर लगाने पर रोक, पुरानों पर बकाए लगभग 3 करोड़ की राशि वसूली की कवायद तेज। और आखिरकार दरभंगा नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला, शहर दरभंगा में नए मोबाइल टावर फिलहाल नहीं लगाए जा सकेंगे। टावर लगाए जाने के लिए एनओसी जारी करने को लेकर निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। टावर लगाने के लिए नगर निगम ने एनओसी जारी करने पर रोक लगा दी है। संचार मीनार स्थापित किए जाने के लिए सरकार के बनाए नियम का अनुपालन कंपनियों द्वारा नहीं करना है। वहीं नगर में निगम से अनुमति लिए बिना अवैध रूप से आधा दर्जन से ऊपर मोबाइल टावर स्थापित करा लिए जाने का भी खुलासा हुआ है। इधर नगर निगम से अनुमति लेकर टावर लगा रखे आधा दर्जन मोबाइल कंपनियां सालों से लाखों रुपए दबाए बैठी हैं। इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बकाया शुल्क वसूली को लेकर निगम ने सभी बकायेदार मोबाइल कंपनियों को राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा है। कुल 65 टावरों पर बकाया है। कंपनियों के द्वारा निगम से अनुमति लेकर लगाए गए 65 मोबाइल टावरों पर नवीकरण एवं पंजीकरण शुल्क बकाया चला आ रहा है। इसमें टेलीनॉर के 5, वोडाफोन के 16, बीएसएनएल के 14, एयरसेल के 19, आइडिया के 4, टाटा डोकोमो के 7 मोबाइल टावर का निगम के बकायेदार सूची में नाम दर्ज है। इसके अलावा कई टावरों पर चले आ रहे बकाया शुल्क वसूली को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के कारण नगर विकास एवं आवास विभाग के मिले निर्देश पर उन कंपनियों को नोटिस नहीं भेजी गई है। 6 कंपनियों पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए बकाया है। आया मानसून झूम के, मौसम की मेहरबानी ने रविवार को बनाया सुपर संडे। आया मानसून झूम के, जी हां, रविवार की सुबह जब लोगों ने आंखें खोली तो उनका सामना झूमती हुई झमाझम बरसात से हुआ। शनिवार की देर रात से ही बारिश का यह सिलसिला शुरू था। नॉन स्टॉप बरसात रविवार की दोपहर तक होती रही। इंसानी जनजीवन से लेकर पशु पक्षी और पेड़ पौधों को सुकून मिला इस बारिश से। मानसून का बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था और लोगों को तपती धूप और गर्मी से, पसीने वाली गर्मी से फिलहाल राहत मिली है और ऐसा लग रहा है कि बारिश का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा।
हैं, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बची हुई बाकी खबरों से रूबरू होंगे, फौरन होंगे हाजिर। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट मौलागंज दरभंगा, हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाई ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर चौक दरभंगा, अ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, जी, मेडिकल, प्लस टू, बोर्ड, प्री फाउंडेशन फॉर क्लासेस 7th to 10th, एनटीएससी एंड ओलंपियाड। मानवीय संवेदना हुई तार तार, दरभंगा जीआरपी ने खुले आसमान के नीचे बारिश में रखा अज्ञात युवक का शव। जोगियारा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत। आरक्षण के लिए होगी आर पार की लड़ाई, मुकेश सहनी के नेतृत्व में निकली महारैली में दिखा निषाद समाज का प्रभाव। निषाद महारैली में खुलेआम उड़ी यातायात नियमों की धज्जियां, मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट ट्रिपल लोडिंग के साथ समर्थकों ने कानून का किया उल्लंघन। दरभंगा नगर निगम का बड़ा फैसला, अब शहर में नए मोबाइल टावर लगाने पर रोक, पुरानों पर बकाए लगभग 3 करोड़ की राशि वसूली की कवायद तेज। और आया मानसून झूम के, मौसम की मेहरबानी ने रविवार को बनाया सुपर संडे। माले पटना में 27 सितंबर को करेगा भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का आयोजन, कहा राशन कार्ड सहित जनहितैषी योजनाओं का कैंप लगाकर लिया जाए आवेदन। भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली 27 सितंबर को पटना में, मोदी की फांसीवादी नीति के खिलाफ 22 को महानगर में होगा कन्वेंशन, राशन कार्ड सहित जनहितैषी योजनाओं का कैंप वार्डों में लगाकर ले आवेदन, मांगे रखी माले ने। भाकपा माले महानगर कमेटी की बैठक शुभंकरपुर नागेश्वर टोल सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महानगर सचिव सदीक भारती ने की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री भारती ने कहा कि मोदी नीतीश की सरकार देश व राज्य को सांप्रदायिक फांसीवादी बना दिया है, देश के भीतर सांप्रदायिक उन्मादी ताकतों को बल दिया जा रहा है, आम लोगों की समस्याओं को मजाक बनाकर रख दिया गया है, किसानों मजदूरों के अधिकारों को छीना जा रहा है, देश में अघोषित आपातकाल और झूठा राष्ट्रवाद प्रचारित किया जा रहा है। श्री भारती ने कहा कि देश हित में जनवादी सरकार के लिए जनता का संघर्ष और धारदार बनाने का आह्वान बैठक में किया गया और भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली की सफलता को लेकर 22 जुलाई को महानगर कन्वेंशन की सफलता में वार्डों में अभियान तेज करने का आह्वान भी किया। डॉक्टर गणपति मिश्रा व्याख्यान माला सबका समापन समारोह आयोजित हुआ रविवार। मैथिली साहित्य परिषद भवन में डॉक्टर गणपति मिश्र व्याख्यान माला का समापन समारोह आयोजित हुआ। अध्यक्षता की प्रोफेसर मक्की अंसारी और चंद्रेश ने जिनके संयोजकत्व में एक कार्यक्रम हुआ। उद्घाटन भाषण डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने देते हुए कहा कि मैथिली दधीची बाबू भोलालाल दास ने जिन मूल्यों को लेकर मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना की उसको आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर गणपति मिश्र ने किया। वे गरीब गुरुओं के डॉक्टर थे। प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने मिथिलाक्षर एवं तिरहुता लिपि के संवर्धन के लिए सरल पोथी को छपवाया जिससे सैकड़ों लोगों ने तिरहुता सीखी। डॉक्टर हरदिल अजीज थे,
गणपत मिश्र। प्रोफेसर कृपानंद झा दिल्ली ने कहा कि मिथिला राज्य निर्माण आंदोलन में पूर्ण करना ही डॉक्टर साहब के प्रति असली श्रद्धांजलि होगी। चंद्रेश ने भाषणमाला के 12 आयोजनों की चर्चा की, उनमें आए लिखित आलेखों को पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर मक्की अंसारी ने कहा कि मैथिली साहित्य परिषद के जमीन के लिए मेरे पिता ने संपर्क किया डॉक्टर साहब से। पिताजी ने कहा कि मैथिली भाषी में हूँ, यह जमीन लीजिए और आज उसी जमीन पर यह भवन है जहाँ मैं खड़ा हूँ। छब्बीसवीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2018 का दो दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ एमआरएम कॉलेज दरभंगा में। 26वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन 1 जुलाई को संपन्न हुआ एमआरएम कॉलेज दरभंगा में। स्रोत व्यक्ति सह परामर्शी हेतु क्षेत्रीय दिशा निर्देशन कार्यशाला के आयोजन में जमकर मुद्दों पर विचार हुआ। ये जब तक समाचार निकालेंगे आपसे, इससे पूर्व पर फिर नजर सुर्खियों पर। मानवीय संवेदना हुई तार तार, दरभंगा जीआरपी ने खुले आसमान के नीचे बारिश में रखा अज्ञात युवक का शव। जोगियारा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत। आरक्षण के लिए होगी आर पार की लड़ाई, मुकेश सहनी के नेतृत्व में निकली महारैली में दिखा निषाद समाज का प्रभाव। निषाद महारैली में खुलेआम उड़ी यातायात नियमों की धज्जियां, मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट ट्रिपल लोडिंग के साथ समर्थकों ने कानून का किया उल्लंघन। दरभंगा नगर निगम का बड़ा फैसला, अब शहर में नए मोबाइल टावर लगाने पर रोक, पुरानों पर बकाए लगभग 3 करोड़ की राशि वसूली की कवायद तेज। और आया मानसून झूम के, मौसम की मेहरबानी ने रविवार को बनाया सुपर संडे। अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटिए अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।